सो गाइस सबसे पहले स्नैपसीड की एप्लीकेशन ओपन करनी है, ठीक है। तो जैसे स्नैपसीड की एप्लीकेशन ओपन करोगे उसमें आपको अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ऐड कर लिया है, ठीक है। तो फोटो को ऐड करने के बाद यहाँ पे जाना आपको इस पेंसिल वाले आइकन पे, ठीक है। तो पेंसिल वाले आइकन में जाइए और यहाँ से आपको क्लिक करना है ट्यून इमेज पे, ठीक है। तो ट्यून इमेज पे क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है सैचुरेशन को माइनस करना है, ठीक है। तो सैचुरेशन माइनस कर लूँगा यहाँ पे, जिससे कि हमारी फोटो एकदम ब्लैक एंड वाइट हो जाए। तो सैचुरेशन का -100 कर लीजिए और यहाँ पे कुछ और सेटिंग कर लीजिए, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एम्बियंस को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली आपको टिक पे क्लिक करना है और जैसे टिक पे क्लिक करोगे तो फोटो हमारी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, ठीक है। तो फोटो को ब्लैक एंड वाइट करने के बाद सिंपली हमें जाना ऊपर इस अंडो वाले ऑप्शन में गए, ठीक है। इस पर क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे व्यू एडिट्स पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे ट्यून इमेज पे क्लिक करना है एंड ड्रॉ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली हमें क्लिक करना है इस इनवर्ट पे, ठीक है। और सिंपली हमें फोटो को जूम करना सीरीज से और अपने फेस और हैंड एंड जो स्किन है वो उसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। 100 देखा उसको 0 कीजिए पहले, ठीक है। 0 करने के बाद सिंपली आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही ड्रॉ करोगे ना गाइस, ठीक है, तो ये स्किन का जो कलर हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे, ये हमें अपने हैंड और फेस में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पूरा कम्प्लीटली ड्रॉ कीजिए आराम से, ठीक है। देखिए कम्प्लीट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पूरा कम्प्लीट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं पूरा कम्प्लीट ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको कम्प्लीट ड्रॉ कर लिया स्किन, ठीक है। तो स्किन में ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर बैक जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद सिंपली आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे जाना आपको इस डबल एक्सपोजर पे, ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ से जाना इस प्लेस आइकन पे एंड गैलरी से आपको एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ब्लू वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इस ब्लू बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस बैकग्राउंड को, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है बीच में, ठीक है। जो बीच में ऑप्शन मिला है उसको क्लिक करना है, क्लिक करने का सिंपली हमें जाना ओवरले पे, ठीक है। ओवरले पे चला जाएगा, क्लिक करोगे उसके बाद देख लीजिए बैकग्राउंड एकदम ब्लू हो चुका है। सिंपली हमें क्लिक करना ऊपर इस अंडर वाला ऑप्शन पे एंड व्यू एडिट्स पे जाना है एंड यहाँ से डबल एक्सपोजर एंड ड्रॉ वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें क्लिक करना है इस इनवर्ट पे, जैसे इनवर्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, सिंपली उसके बाद हमें क्या करना है, अपने फेस और जो भी हमारे कपड़े हैं इनमें से आपको कलर को हटाना है, ब्लू कलर को हटाना है, ठीक है। तो सिंपली आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा कलर वापस आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। केवल बैकग्राउंड को छोड़कर आपको पूरे बैकग्राउंड को नहीं ड्रॉ नहीं करना, केवल आपको फोटो में ही ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है। यानी कि हेयर हो गया आपके, ठीक है, स्किन हो गया, ठीक है, और आपके जो भी कपड़े ठीक है उनमें ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमारा जो भी कलर का कपड़ा हो, ठीक है, एंड जो भी हमारे फेस का कलर हो सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा कम्प्लीट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको सिंपली टिक करना है, ठीक है, टिक कर लीजिए, फिर बैग जाना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, फिर से हमें इस पेंसिल आइकन में क्लिक करना है, ठीक है, एंड डबल एक्सपोज में क्लिक करना है एंड यहाँ से इस प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें फिर से इस ब्लू कलर पर लेना है, ठीक है, एंड इस जो बीच में ऑप्शन वाला इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें जो कलर सेलेक्ट करना है वो करना है हमें पे सबट्रैक, ठीक है। सबट्रैक को सिलेक्ट कर लीजिए एंड टिक पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें क्लिक करना ऊपर इस अंडो वाले ऑप्शन पर यहाँ से व्यू एडिट्स पे जाना है, ठीक है, एंड डबल एक्सपोजर एंड जो वाला उसमें क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, केवल जो हमारा टी शर्ट है यानी जो मेरी टी शर्ट होगी, जो भी हमारे कपड़े होंगे, ठीक है, उनमें ड्रॉ करना है, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा ना, यानी कि नीचे डबल एक्सपोज को 100 कर लीजिए पहले, ठीक है, उसको ड्रॉ करना है सिंपली यहाँ पर। तो जैसे ड्रॉ करूँगा केवल आपको कपड़ों में ही ड्रॉ करना है, ठीक है। और जैसे ही कपड़ों में ड्रॉ करूँगा आपकी जो टी शर्ट या शर्ट जो भी होगी, ठीक है, वो एकदम ब्लू बन जाएगी और काफ़ी अमेजिंग लगने वाली फोटो इसके साथ। सिंपली मैं पूरा ड्रॉ करूँगा, ठीक है, कम्प्लीटली ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ये देख लीजिए ड्रॉ करूँ, केवल आपको टी शर्ट में ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको आराम से ड्रॉ करना है, ठीक है, यानी कि जो कलर हमारे हैंड में ना जाए, ठीक है। तो सिंपली आपको अपने टी शर्ट में ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपको पूरा कम्प्लीट मैं ड्रॉ करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो हमारी फोटो कैसी लगेगी आप, सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो पूरा कम्प्लीट ड्रॉ कर लिया मैंने टी शर्ट में, ठीक है, जो हमारी टी शर्ट एकदम ब्लू बन चुकी है और फोटो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है। उसका सिंपली आपको टिक वाले ऑप्शन क्लिक करना है और टिक पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको बैक पे क्लिक करना है, ठीक है। फोटो यहाँ आ जाएगी यहाँ पे होम पे, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हमें क्लिक करना है सिंपली इस पेंसिल वाले आइकन पे फिर से और यहाँ से हमें क्लिक करना ऊपर इस ट्यून इमेज पे, ठीक है। एंड यहाँ से हमें कुछ कलर एडजस्ट करने, यानी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना फोटो में, ठीक है। इसलिए फोटो में मैंने जो ब्राइटनेस बढ़ा दिया यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम टिक कर देंगे, टिक पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें फिर से इसे पेंसिल आइकन में क्लिक करना है एंड यहाँ से जो हमें क्लिक करना है वो करना है यहाँ पे
सेलेक्टिव, सेलेक्टिव क्लिक कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। एंड फेस में इस तरीके से सर्कल को लेकर आना गाइस, ठीक है, और छोड़ देना गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा फेस में, ठीक है। हमें फेस को पूरा कवर कर लेना इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हमको ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है, यानी कि ब्राइटनेस पूरा बढ़ा दीजिए फिर जैसे फेस हमारा वाइट हो जाए, ठीक है। तो मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से पूरा। और उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो कंट्रास्ट को थोड़ा क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है। एंड सैचुरेशन को भी माइनस करेंगे, ठीक है। सैचुरेशन माइनस के लिए मैंने एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्लस कर देंगे, ठीक है, एंटी कर देंगे। तो फेस ब्राइट हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से, है ना। उसके बाद हमें क्लिक करना है नीचे जो हैंड दिख रहे हैं ना, इनमें आपको सिलेक्टिव को यूज़ करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट में यूज़ करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, ये देख लीजिए सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरीके से, कंट्रास्ट को भी माइनस करेंगे, ठीक है। एंड सैचुरेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इसको टिक पे क्लिक कर देख लीजिए, फोटो काफ़ी अमेजिंग बन चुकी है यहाँ पे। उसके बाद सिंपली हमें फिर पेंसिल आई क्लिक करना है, एंड यहाँ से हमें विग्नेट यूज़ करना है फोटो में, ठीक है। तो विग्नेट यूज़ करने के लिए सिंपली हमें विग्नेट ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ से हमें क्या विग्नेट को थोड़ा सा माइनस करना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा विग्नेट डाल दीजिए फोटो में, ठीक है। और फोटो काफ़ी अमेजिंग बनने वाली है। तो अब देखिए फोटो कैसे थी पहले हमारी, बन चुकी है इस तरीके से और काफ़ी अमेजिंग दिख रही है, ब्लू टोन में फोटो है। इस तरीके से आप इस तरह की फोटो एडिट कर सकते हो, काफ़ी अमेजिंग दिखती है इस तरह की फोटो एडिटिंग। और अगर आप भी इस तरह की फोटो एडिट करना चाहते हो, डेफिनेटली यार इस स्टेप जो बताया मैंने फॉलो कीजिए, उसके बाद आपकी फोटो सेम एज इट इज एडिट हो जाएगी। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगली एक्साइटिंग वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड विद निक टेक्निक।